नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम पीएचपी का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, ओवरव्यू देख रहे थे, पीएचपी की कुछ विशेषताएं, पीएचपी के कुछ एडवांटेजेज क्या है, पीएचपी कैसे काम करती है, ये पूरा हम एक ओवरव्यू देख रहे थे। तो उस वीडियो में ये कम्प्लीट नहीं हो पाया था, तो आज की वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कुकीज वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं पीएचपी से, सेशन वेरिएबल्स को कर सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इससे आगे है पीएचपी को यूज करके हम यूजर्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ताकि वो कोई पेज है उसको एक्सेस नहीं कर सके। ठीक है, जैसे अपन एक वेबसाइट डिज़ाइन की तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूजर्स हैं। कुछ तो बिल्कुल एंड यूजर्स हैं, एंड यूजर्स का मतलब उनका ज़्यादा उससे लेन देना नहीं है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी होती है या कुछ डेटा फिल करना होता है, तो उसको ज़्यादा एक्सेस नहीं देते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेशन में जो रहते हैं उनको ज़्यादा एक्सेस रहती है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं वेबसाइट के, तो सबके पास बराबर एक्सेस नहीं होता है। जिस तरह का उनका काम है उसी के अकॉर्डिंग उनको एक्सेस दिया जाता है। तो एंड यूजर्स हैं उनको सबसे कम एक्सेस वहाँ पर दिया जाता है। जैसे किसी भी वेबसाइट को अपन ओपन करते हैं, मान लीजिए कि आरपीएससी की जो वेबसाइट है, तो वहाँ पर कोई भी जब जॉब वैकेंसी निकलती है तो जो भी अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो उनके पास एक एक्सेस होता है कि वो वहाँ पर फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे का फॉर्म फिल किया हुआ है उसको वो देख नहीं सकते, और कई सारी चीज़ें हैं, वो रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। फिर उसके अंदर आरपीएससी के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके अंदर जिस लेवल पर कर्मचारी है उस लेवल पर उनको क्या एक्सेस देना दिया जाना चाहिए, वो उनको एक्सेस दिया जाता है। तो हर एक जो भी वेबसाइट होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के यूजर्स होते हैं, और उनको उनके काम के अकॉर्डिंग ही एक्सेस दिया जाता है। तो ये सारा काम हम पीएचपी में कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप सब यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप में आपने एक सेंटेंस देखा होगा, उसमें लिखा रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो ये एनक्रिप्शन क्या होता है? एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि कोई डेटा है रीडेबल फॉर्मेट में, उसको हम ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर दें जो अनरीडेबल हो जाए। कुछ भी ऐसा फॉर्मेट में हम चेंज कर दें जिससे हम उसको समझ नहीं सकते, उसका मैसेज नहीं समझ सकते। उसको रीड तो कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट है, डिजिट है या सिंबल है, लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझ सकते। ठीक है, तो जैसे कि व्हाट्सएप में होता है एंड टू एंड, मतलब जो सेंड करने वाला है वो उसका मतलब समझता है और जो रिसीव करेगा वो समझता है। बीच में अगर किसी ने हैक कर लिया मैसेज को, पढ़ने की कोशिश की, तो भी वो उस मैसेज को समझ नहीं पाएगा उसका मतलब क्या है। तो ये एनक्रिप्शन होता है। पीएचपी की विशेषताएं, अब इनको आप विशेषताएं भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, इसके फ़ायदे बोल सकते हो, लाभ बोल सकते हो, या इसकी कैपेबिलिटी बोल सकते हो कि ये क्या क्या कर सकता है, कोई भी आप नाम इसको दे सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल हम काम करते हैं पीएचपी प्रैक्टिकली काम में लेते हैं, उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि कुछ जो विशेषताएँ वो इस प्रकार हैं। सिंप्लिसिटी, एक तो सादगी है, मतलब सिंपल भाषा है, जैसे कि मैंने बताया कि फॉरगिविंग नेचर है। तो जैसे C++ जावा में ऐसा नहीं होता, वो स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज होती है, वहाँ पर आपको जो फॉर्मेट दिया वैसे टाइप करना। इसके अंदर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह का आप डेटा उसमें डालोगे उस तरह का बन जाएगा। एफिशिएंसी है, सिक्योरिटी है। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने बताया ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होती है, तो जो हमारा काम करना है हमें वो बहुत जल्दी हो जाता है। पीएचपी का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फेसबुक की जो वेबसाइट है वो पीएचपी में डिज़ाइन की हुई है। तो इससे आप समझ सकते हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूजर्स किसी वेबसाइट के आज हैं तो वो फेसबुक के हैं, और एट ए टाइम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो भी फेसबुक पे करते हैं।
करोड़ों लोग हैं, करोड़ के अरबों लोग हो गए दुनिया में जो फेसबुक की वेबसाइट को एक साथ यूज करते हैं, तो वो पीएचपी में बनाई गई। तो आप समझ सकते हो पीएचपी कितनी सक्षम लैंग्वेज है, कितनी अच्छी लैंग्वेज है। तो एफिशिएंसी में तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं होगा, इसमें सिक्योरिटी में भी नहीं होगा। अगर फेसबुक जैसी कंपनी इसको काम में ले रही है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है और फेमिलिटी है। फेमिलिटी का मतलब जैसे मैंने बताया वही वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना ये वो, तो इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो कोई भी जो नया प्रोग्रामर है उसको जल्दी सीख लेता है। तो इसमें एक स्क्रिप्ट देखते हैं हेलो वर्ल्ड की। जैसा कि हमने बताया कि ये एम्बेड होती है HTML के साथ, तो HTML का टैग ओपन हो जाएगा और सबसे नीचे HTML का क्लोज। फिर उसके बाद में हेड का ओपन हो गया, क्लोज हो गया, और इसके बीच में हमने टाइटल लिख दिया हेलो वर्ल्ड। फिर यहाँ बॉडी के अंदर, अब ये देखिए PHP को स्टार्ट करने का और एंड करने का तरीका होता है। स्टार्ट करने का तरीका आप देख सकते हैं, ये रहता है लेस देन क्वेश्चन मार्क सिंबल और फिर PHP, ठीक है। ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ये स्टार्ट करने का तरीका है इसका टैग। उसके बाद में इसमें क्या लिखना है वो हम इसका कोड लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है इको और फिर हेलो वर्ल्ड। इको इसमें प्रिंट कराने के लिए काम में लेते हैं, जैसे अपन सी लैंग्वेज में प्रिंट ऐप लेते हैं, वैसे डबल कोट्स में स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है कंपाइलर को, और सेमी कोलन स्टेटमेंट टर्मिनेट करने के लिए हो गया, और लास्ट में तो PHP वाला टैग क्लोज करना है, तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन सिंबल। तो ये एक सिंपल सा कोड है हमारे पास हेलो वर्ल्ड का। अब इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, जैसे मैंने बताया प्रिंट कराने के लिए काम मिला तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। तो अगर आप इसका जो आउटपुट देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि PHP का जो कोड है वो सर्वर है जो आपके ब्राउज़र के अंदर जो कोड भेजेगा उसमें PHP का कोड मौजूद नहीं रहता, ये आपको याद रखना है। PHP कहाँ रन हो रहा है, सर्वर पर, और फिर PHP जो आउटपुट जनरेट करेगा और उसकी एक फाइल बना के भेजेगा ब्राउज़र पर क्लाइंट की मशीन पर, उस फाइल में क्या रहेगा HTML आउटपुट। तो याद रखना क्लाइंट मशीन पर HTML चलता है, PHP सर्वर मशीन पर चलता है। तो PHP को जैसे मैंने बताया डिक्लेयर करने का कुछ तरीका है, वो हमने ऊपर काम में लिया। सबसे पॉपुलर तरीका यही होता है लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, उसके बाद में PHP का कोड, और जब क्लोज करना हो तो क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। इसके अलावा कुछ दूसरे तरीके भी है, जैसे ये देखिए ये भी कर सकते हैं, लेस देन क्वेश्चन मार्क से चालू हो गया और क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन से क्लोज हो गया। और इसके अलावा एक तरीका ये भी है, इसमें हम कर सकते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू डबल कोट्स में PHP क्लोज, फिर PHP का कोड, जब टैग को क्लोज करना है तो स्लैश स्क्रिप्ट। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे हम HTML फाइल के अंदर PHP के कोड को एम्बेड कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पॉपुलरली लोग काम में लेते हैं, वो मैंने बता ही दिया, ये देख सकते हैं आप, ये तरीका है। ये तरीका सबसे पॉपुलर है। ये तरीका हम काम में लेंगे तो किसी भी तरह के एडिटर में हर जगह ही काम करेगा। अब इसके आगे देखते हैं PHP के अंदर कमेंट कैसे करते हैं। तो जैसा कि पहले भी हम C++ और दूसरी लैंग्वेजेस में देख चुके हैं कि कमेंट क्या होता है, कि प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए, ताकि कोई पढ़ने वाला इंसान है उसको समझ सके उसका मतलब क्या है, इसलिए हम काम में लेते हैं। कमेंट का कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, कंप्यूटर की किसी तरह की हेल्प नहीं होती है और कंप्यूटर उसको इग्नोर करता है। तो
इसमें भी वही दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन के अंदर हम एक लाइन का कमेंट लिख सकते हैं और मल्टीपल लाइन में एक से ज़्यादा लाइन का। तो सिंगल लाइन में कमेंट कैसे लिखेंगे, PHP में हैश सिंबल लगाएंगे और उसके आगे एक लाइन लिख सकते हैं। दूसरी लाइन लिखनी है तो दोबारा हैश लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरी लाइन कमेंट में नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट है। फिर इसमें जो डबल स्लेस है वो भी अपन काम में ले सकते हैं। तो दो सिंबल हमारे पास है यहाँ पर, सी और सी प्लस प्लस में एक ही सिंबल था, डबल स्लेस था, वो हम काम में लेते थे सिंगल लाइन के लिए। लेकिन यहाँ डबल स्लेस भी ले सकते हैं, पूरा हैश भी, क्योंकि हमने देखा फेमिलियर है लैंग्वेज, तो खूब सारे ऑप्शन अपने को देता है। फिर एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। मल्टीपल लाइन कमेंट का मतलब एक से ज़्यादा लाइनें अगर अपने को कमेंट भी लिखनी है, वो बिल्कुल सी और सी प्लस प्लस वाला तरीका ही है, स्लेस स्टार, फिर जो भी कमेंट्स लिखने हैं जितनी भी लाइन, दो लाइन पांच लाइन लिखिए और स्टार स्लेस करके क्लोज कर देंगे। तो ये जो दो सिंबल हैं स्लेस स्टार और ये स्टार स्लेस, इनके बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो पूरा एक कमेंट माना जाएगा। PHP है वो वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है। वाइट स्पेस का मतलब होता है कि आप स्पेस वाला बटन दबाएंगे, स्पेस देंगे या टैब देंगे, वो वाइट स्पेस मान जाते हैं। वाइट स्पेस का मतलब स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ जो बैकग्राउंड है वो दिखता रहता है आपको। तो वाइट स्पेस इनसेंसिटिव का मतलब क्या, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, यहाँ पर हमने 2+2 किया है, तो हम अगर 2+2 लिख देंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, और अगर 2 स्पेस फिर प्लस फिर स्पेस 2 लिखेंगे तब भी वही इसमें मीनिंग निकलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, इसीलिए इतनी यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस कोड के अंदर सबसे पहले वाली जो लाइन है उसमें हमने क्या किया है, $4, डॉलर का मतलब कोई वेरिएबल बनाते हो डॉलर सिंबल लगाते हैं, तो यहाँ पर $4, तो FOUR 4 क्या बन गया है, यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया, और 2+2 जोड़ देगा 4 हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, सिंगल स्पेस लगाया है। उसके बाद में दूसरी लाइन है उसमें हमने क्या किया है, टैब लगा दिया है, टैब के अंदर ज़्यादा स्पेस होता है तब भी वैसा ही लगेगा। और फिर इसके बाद में तो हमने क्या किया, न्यू लाइन में ले लिया, देखिए 4=2+ और फिर 2 है वो नई लाइन में लिया है हमने, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही इस लैंग्वेज में, इतनी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है ये। तो ये सारे क्या एडवांटेजेस भी है PHP के, इनको कैपेबिलिटी भी बोल सकते हो, विशेषताएं भी बोल सकते हो। तो वाइट स्पेस इनसेंसिटिव है लेकिन PHP केस सेंसिटिव है, याद रखना। इनसेंसिटिव का मतलब, तो कोई भी चीज़ इनसेंसिटिव हो जाती है उसका मतलब, जैसे आप अपनी फिंगर से किसी गर्म चीज़ को टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा और अपने आप अपनी फिंगर हटा लोगे, इसका मतलब क्या है, आपका जो बॉडी है, आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव है, वो सेंस कर सकती है गर्म को। लेकिन वहीं पर जैसे कई लोगों की बीमारियां हो जाती है कुछ इस तरह का कि उनका सेंस ख़त्म हो जाता है, तो वो काम करना अगर बंद कर दिया उनकी फिंगर ने और वो टच करेंगे गर्म चीज़ को, तो वो उनको सेंस नहीं होगा, गर्म ठंडा कुछ नहीं लगेगा उनको, वो होता है इनसेंसिटिव। तो वैसे लैंग्वेज में वाइट स्पेस इनसेंसिटिव का मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप वाइट स्पेस मतलब उसमें स्पेस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो कोई मतलब नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन केस सेंसिटिव है, इसका मतलब आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे उसका वो अलग मतलब निकालेगा और स्मॉल में लिखोगे उसका अलग मतलब। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए HTML बॉडी ?? PHP डॉलर कैपिटल, हमने एक वेरिएबल बनाया और इसमें 67 वैल्यू इंस्टॉल इसमें असाइन कर दी। अब यहाँ पर प्रिंट करके हमने दो बार इसको प्रिंट कराया है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले प्रिंट में हमने क्या लिखा है, कैपिटल,
जो हमने वेरिएबल बनाया है बिल्कुल वैसा का वैसा, सी है यहाँ पर, स्मॉल है, सारे स्मॉल लेटर में, तो वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर नीचे वाले में क्या किया, सी को कैपिटल कर दिया, लेकिन हमारा जो वेरिएबल था उसमें तो क्या था, स्मॉल था। तो अब इंसान तो क्या है कि समझ लेगा स्मॉल हो या कैपिटल हो, किसी का नाम सुरेश है तो सुरेश उसने स्मॉल में लिख दिया तो भी सुरेश ही मतलब है, और कैपिटल में लिख दिया तो कैपिटल स्मॉल है। तो हम जो इंसान है वो तो क्या है, इनसेंसिटिव है, केस इनसेंसिटिव है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे अपना नाम कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे समझ में आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, PHP में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप आउटपुट क्या देगा, आउटपुट किसी कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर वाले में क्या होगा, कैपिटल की वैल्यू 67 प्रिंट कर देगा, और नीचे वाला कैपिटल है उसमें तो कुछ वैल्यू डाली नहीं अपन ने, इसलिए उसमें कुछ है ही नहीं। ये जो नया एक वेरिएबल बन जाएगा इसमें, उस वेरिएबल हमने कुछ डाली नहीं, नल है तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, तो इस तरह से रहेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। अब यहाँ पर PHP है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वेरिएबल बनाया एकदम से तो कुछ नहीं आया। और अगर आप सी लैंग्वेज में करोगे, C++ में, वहाँ पर अगर कोई वेरिएबल आपने बना दिया और फिर उसको प्रिंट करवाओगे तो वहाँ पर क्या गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। गार्बेज का मतलब पुराना जो कचरा पड़ा है पहले, उस मेमोरी स्पेस पर कोई पहले की पुरानी वैल्यू पड़ी है, जो भी है, कोई भी वैल्यू जो पहले रही है वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। और वहीं पर जैसे कुछ लैंग्वेजेज है, जावा वगैरह है, उनमें क्या होता है, जावा .NET, उनमें गार्बेज कलेक्शन होता है, तो गार्बेज कलेक्शन